हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 12 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज का जो हमारा विषय है वह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, जिसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने, और इस का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1440 ईस्वी में। 1440 ईस्वी में इस का निर्माण करवाने के पीछे महाराणा कुंभा का एक बहुत उद्देश्य यह था कि इस समय सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा ने जीता था। तो महाराणा कुंभा ने जब सारंगपुर का युद्ध जीता था, तो उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम दिया गया था विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, और इसीलिए इसका नाम विजय स्तंभ दिया गया था। तो किस युद्ध में? यानी सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर के युद्ध में, और ये जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1437 ईस्वी में। और 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब बात आती है विजय स्तंभ के उपनाम की, यानी कि विजय स्तंभ को और किन किन नामों के द्वारा जाना जाता है। यानी एक है इसका नाम, उपनाम ध्वजगढ़, और ध्वजगढ़ इस विजय स्तंभ का जो ध्वजगढ़ नाम दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि इसकी जो विजय पताका है, इसका जो ध्वज है, वो विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु ध्वजगढ़। इसके अलावा विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इसके अंतर्गत सैकड़ों मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और उपनाम दिया गया है इसका, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर, यानी विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत सैकड़ों मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में विजय स्तंभ को इन नामों से भी जाना जाता है, विष्णु ध्वजगढ़, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, इन नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके वास्तुकार की। तो जो विजय स्तंभ है, इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार से तात्पर्य यह है कि इसका जो नक्शा प्रस्तुत किया, जो निर्माण करवाया तो माने बेशक, लेकिन उसका एक वास्तुकार है जिसका नाम है जैता।
जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया उन उसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था जैता, और इनके पुत्र थे पुत्र नापा, पोमा और पूजा, यानी कि इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं जैता, विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता, और उनके तीन पुत्र थे नापा, पोमा और पूजा, जिन्होंने इसका नक्शा प्रस्तुत किया विजय स्तंभ का, वे हैं जैता, नापा, पोमा और पूजा। अब विजय स्तंभ की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें, यानी कि एक और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये थी कि 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा विजय स्तंभ पर ₹1 का डाक टिकट, ₹1 का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा विजय स्तंभ पर ₹1 का डाक टिकट जारी हुआ, ₹1 का डाक टिकट जारी होने वाली टिकट भी होने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत थी। कहने का मतलब विजय स्तंभ का एक और उल्लेख मिलता है कि विजय स्तंभ एक मात्र राजस्थान की ऐसी इमारत है जो एक इमारत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था, वो प्रथम वही इमारत है विजय स्तंभ जिस पर ₹1 का डाक टिकट जारी हुआ था। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जो 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा विजय स्तंभ पर ₹1 का डाक टिकट जारी होने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत थी। नेक्स्ट है एक बात आती है विजय स्तंभ और एक आती है कीर्ति स्तंभ। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों में अंतर है, यानी हम कीर्ति स्तंभ के बारे में जाने तो कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इसको जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जैन कीर्ति स्तंभ जिसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और एक हमने जो अभी पढ़ा था वो है विजय स्तंभ और जिसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। इसके कंफ्यूज को दूर कर लेंगे दोस्तों कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों का मतलब एक ही है, जो कि कुंभा ने निर्मित किया था, जिसके वास्तुकार थे जैता, पूजा, पूमा और नाफा। और इसकी जो विशेषता थी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की, यह 9 मंजिला था,
कितना था? 9 मंजिला, 9 मंजिला था। और इसकी जो तीसरी मंजिल थी, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह यानी कि विजय स्तंभ की या कीर्ति स्तंभ की जो बिल्डिंग है, वो इमारत है, वो 9 मंजिला है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 120 मीटर है, 120 मीटर ऊंचाई है। किसकी? विजय स्तंभ की। यानी कि विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है और 120 मीटर ऊंचाई है विजय स्तंभ की। तो ऐसी स्थिति होने के कारण, यानी कि जो एक इतिहासकार थे कर्नल टॉड, इन्होंने इस विजय स्तंभ के बारे में कहा था, विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा था कि यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतर है। इस विजय स्तंभ के बारे में कर्नल टॉड ने कहा था कि यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतर है। यह जो पंक्ति कहने वाले हैं वो कौन है? कर्नल टॉड। और एक इतिहासकार हुआ करते थे फर्ग्यूसन। इन्होंने इस विजय स्तंभ को कहा था रोम का टार्जन, यानी कि रोम का टार्जन एक ऐसी इमारत है जो सबसे लंबी है वहां की, तो उस रोम का टार्जन से जो तुलना की है वो किन्होंने की थी? फर्ग्यूसन ने, यानी इतिहासकार कर्नल टॉड ने यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतर बताई है और फर्ग्यूसन ने इसको रोम का टार्जन कहा है। किसको कहा है? विजय स्तंभ को। अब इसी के समान दूसरी जो इमारत है, जो प्रशस्ति है, वो है जैन कीर्ति स्तंभ। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका दूसरा नाम क्या है? कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति जो प्रशस्ति है, जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण बघेल वाल जीजा, इसने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है, यानी कितने मंजिल की है? 7 मंजिल की। और इसकी जो ऊंचाई है वो 175 फीट है। यानी कि जो विजय स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? इस यानी कि इसकी तो 175 है जबकि उसकी 120 मीटर है, उसकी मीटर में दी गई है, इसकी फीट में दी गई। विजय स्तंभ 9 मंजिला है जबकि जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। उसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है जबकि इसके जो विजय स्तंभ है उसके जो वास्तुकार हैं वो जैता है और उनके पुत्र
पोमा नापा और पूजा है, जबकि इसके जो वास्तुकार हैं, कहने का मतलब जैन कीर्ति स्तंभ के जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार वो है अत्रि और अत्रि के पुत्र महेश भट्ट, महेश भट्ट। अब इन दोनों की कहानी क्या है दोस्तों, कि अत्रि ने कीर्ति स्तंभ की शुरुआत की थी, यानी उसका जो मैप प्रस्तुत किया था, प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था, अत्रि ने किया था। जो कौन थे इसके, जैन कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे, लेकिन उसका जो समापन प्रस्तुत किया, उसका जो समापन प्रस्तुत किया था, समाप्त जो हुआ था, वो कार्य जो प्रस्तुत किया वो महेश भट्ट ने प्रस्तुत किया था। और महेश भट्ट क्या कौन थे, इस अत्रि के पुत्र थे। कहने का मतलब इस अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने इसका समापन प्रस्तुत किया था और शुरुआत इसकी किसने की थी, अत्रि ने। अब बात आती है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके मुख्य जो दरवाजे माने गए हैं वो 7 दरवाजे माने गए हैं। और मुख्य दरवाजों की संख्या कितनी है, मुख्य दरवाजे, और मुख्य दरवाजे 7, चित्तौड़गढ़ के मुख्य दरवाजे 7 माने गए। और वे 7 दरवाजे कौन कौन से हैं, नंबर एक है पार्डन पोल, नंबर 2 है भैरव या भैरों पोल, नंबर 3 है हनुमान पोल, हनुमान पोल, नंबर 4 है गणेश पोल, और नंबर 5 है जोडन या दूसरा नाम है इसका जोडला पोल, और नंबर 6 है लक्ष्मण पोल, और 7 है राम पोल। तो दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे प्रसिद्ध हैं और 7 दरवाजों के नाम हैं पाडन पोल, भैरव या भैरों पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडन या जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। कहने का मतलब जब विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का विजय यानी जैन कीर्ति स्तंभ से तुलना की जाती है तो इसका जो विजय स्तंभ है वो विश्व प्रसिद्ध है, और विजय स्तंभ 9 मंजिला है जबकि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। विजय स्तंभ के अंतर्गत जो तीसरी मंजिल है उसमें अल्लाह शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है, यानी कि 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। इसके अलावा बात आती है इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के
दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल के बारे में हम जानेंगे। जैसे यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जो दर्शनीय हैं, जैसे मीरा मंदिर है जो राणा सांगा ने बनवाया था, तुलजा भवानी का मंदिर है जो शिवाजी की आराध्य देवी थी, तुलजा भवानी माता का मंदिर, कुंभश्याम मंदिर है, नवलखा भंडार है, गोमुख कुंड है, पद्मनी जौहर कुंड है, भीम कुंड है, पद्मनी और जयमल के महल हैं, कल्ला राठौड़ की छतरी है। ये जो सब इमारत हैं, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल में आते हैं। यानी इनका जो निर्माण किया गया है ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कि दर्शनीय स्थल का काम करती हैं, जहां पर लोग जाते हैं भ्रमण करने के लिए जाते हैं, देखते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं। ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत इतने मंदिर होने के कारण इसीलिए इसमें स्थित जो विजय स्तंभ है उसमें मंदिर निर्माण, अधिकांश मंदिर निर्माण होने के कारण, मूर्तियों का निर्माण होने के कारण इसको मूर्तियों का अजागर कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश नाम भी दिया गया है। तो ये सब इन दर्शनीय स्थल के बारे में हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।